Rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mohsen Zaman and I am an agriculturist. Aaj ka mera topic hai how to maximize the production of violets, violet fishri, violet parblue, violet opaline, violet dun fallows. To guys, aaj main aap logon ko ye batana chahta hu ki hum kis tarike se apne violets ki production ko double triple kar sakte hain. तो मेरी सजेशन ऑफ पेयरिंग है कि आप दो वॉयलेट बर्ड्स लें, दोनों वॉयलेट बर्ड सिंगल फैक्टर, एक फिशरी ले लें, एक पारब्लू ले लें, या जो आप दिल का दिल करें आप दोनों फिशरीज ले लें, उन्हें आपस में पेयर अप करें तो आपके पास तीन किस्म के ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे. फर्स्ट वन इज़ ब्लू, सेकेंड वन इज़ सिंगल फैक्टर वॉयलेट एंड थर्ड वन इज़ डबल फैक्टर वॉयलेट. तो पहले मैं आप लोगों को वॉयलेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. एक होता है कलर और एक होता है फैक्टर. वॉयलेट फैक्टर है, जब ये ग्रीन पे आता है तो ग्रीन वॉयलेट हो जाता है और जब ये ब्लू पे आता है तो ये ब्लू वॉयलेट हो जाता है. तो हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाते हैं. मैंने देखें आप लोगों के रेफरेंस के लिए ये वॉयलेट बर्ड्स भी जो है ना इस केज के अंदर रखे हैं ताकि आप लोगों को रेफरेंस मिल सके. जब आप दो वॉयलेट बर्ड्स आपस में लगाएंगे तो उसमें से जो वॉयलेट डबल फैक्टर बर्ड आपको आएगा उसे आप जब किस फर्दर किसी ब्लू बर्ड के साथ पेयर अप करेंगे तो आपके पास जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो सबके सब सिंगल फैक्टर वॉयलेट्स होंगे. तो अब आप इमेजिन करें कि जब आप उसे ब्लू ऑफलाइन मेल को किसी वॉयलेट फिशरी डबल फैक्टर के साथ पेयर अप करेंगे तो सबके सब ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो वॉयलेट होंगे. जितनी फीमेल्स होंगी वो वॉयलेट ऑफलाइंस होंगी और जितने भी मेल्स होंगे वो वॉयलेट फिशरी स्प्लिट ऑफलाइंस होंगे. इसी तरीके से आप उसे पेल फेलो में ले जा सकते हैं, डन फेलोज में ले जा सकते हैं, पारब्लूज में लेके जा सकते हैं. आप डबल फैक्टर वॉयलेट को फिशरी को किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं और अपनी वॉयलेट की प्रोडक्शन को अनगिनत लेवल तक ले जा सकते हैं. और आप सब लोग जानते हैं कि वॉयलेट बर्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली पसंद किया जाता है. वॉयलेट ऑफलाइन बनाना हर किसी को पसंद है. वॉयलेट ऑफलाइन हर किसी की अव्वलीन ख्वाहिश है. हर कोई चाहता है उसके शेड में वॉयलेट ऑफलाइन हो ताकि वो उसे फर्दर कहीं भी यूज़ कर सके. तो मेरी तरफ से आप लोगों को ये पैगाम है कि आप ऐसे दो वॉयलेट यूज़ करें जिससे आप डबल फैक्टर वॉयलेट्स बनाएं. और डबल फैक्टर वॉयलेट को जब आप ब्लू में ले जाएंगे, ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो फिर आपके पास अनगिनत वॉयलेट बर्ड्स आएंगे और इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी आपको पेयरिंग और आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे. आखिर में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि सर जी अभी बहुत पोलराइजेशन हो गई है लव बर्ड की फील्ड में. मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, कहीं इम्पोर्टर्स हैं, कहीं लोकल ब्रीडर्स हैं जो बहुत इसको लेके जो है ना बहुत परेशान हैं. तो गाइस हमें नफ़रत में नहीं बढ़ना चाहिए. ये हॉबी हमने इसलिए शुरू नहीं की थी कि हम किसी की टांग खींचें ऊपर जाने के लिए, किसी को नीचे लेके आएं और नीचे जाने वालों को और बदनाम करें. गाइस ये बहुत एक खूबसूरत हॉबी है, इसे बिल्कुल भी गंदा करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है. हम जब वर्किंग कर सकते हैं क्वालिटी पर तो हम वर्किंग करें, हम क्यों एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं. तो गाइस इस पैगाम को आप लोग आगे भी बढ़ाएं मेरे टॉपिक के बारे में. मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय भी दें. इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और इससे आप मैक्सिमाइज़ कर देंगे अपनी ऑफलाइन वॉयलेट को, पारब्लू वॉयलेट्स को, ब्लू फिशरी वॉयलेट्स को, ग्रीन वॉयलेट्स को और पेल फेलो वॉयलेट को, डन फेलो वॉयलेट्स को. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि मेरा पैगाम सब तक जाए और सब वॉयलेट्स की प्रोडक्शन को डबल कर दें, मैक्सिमाइज़ कर दें, क्योंकि ये बर्ड इन डिमांड है. वॉयलेट बर्ड को बहुत पसंद किया जाता है. ओके सर, थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.